पॉली का प्रश्न है, माइंड हैज सो मच स्टोर्ड बट अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरेज इज फॉरगॉटन, डस दिस पार्ट कैन इफेक्ट आवर लाइफ। माइंड जो है वो एक एक अपने आप में जो एक ऐसी एक चिप है, अगर हम कंप्यूटर की चिप की बात करें तो कंप्यूटर की चिप के अंदर जो है एक, जैसे उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, जैसे 128 GB, 256 GB और 1 TB, इस तरह की जो है कैपेसिटी। लेकिन माइंड एक ऐसी चिप है जिसमें आप अनलिमिटेड डेटा जो है स्टोर कर सकते हो, जिसका ये अर्थ हुआ कि कुछ भी डिलीट नहीं होता, अच्छा बुरा सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। और माइंड के अंदर, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हर वक्त चल रही है, इससे बड़ा रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है आपको नहीं मिल सकता। माइंड एक एक छोटी से छोटी चीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है अपने भीतर। तो जब बोलते हो, जब पॉली बोल रही है कि द पार्ट ऑफ द स्टोरेज इज फॉरगॉटन, जैसे कि इसका कोई स्टोरेज का जो कुछ पार्ट है वो डिलीट हो गया है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, डिलीट तो कुछ नहीं होता, बस ये है कि हम उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, और वो भी एक्सेसिबल हो सकता है अगर तुम चाहो तो। अभी तो हम बात कर रहे हैं मन की, अगर हम फिजिकल हार्ड ड्राइव की बात करें, अगर तुम्हारे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो तुम्हें पता होगा, जो आईटी के साथ जो लोग जुड़े हैं, जब हम कुछ इस तरह की सॉफ्टवेयर्स हैं, इस तरह के डिवाइसेस हैं कि अगर आपकी हार्ड डिस्क, आपकी हार्ड ड्राइव जो है डिलीट हो जाए, उसका डेटा जो है डिलीट हो जाए, तो उस डेटा को जो है रिट्रीव किया जा सकता है। जब एक चीज़ डिलीट होगी तो आपने कैसे रिट्रीव कर ली, इसका यही अर्थ हुआ कि कुछ भी डिलीट नहीं होता है। मतलब कुछ भी जो है आप उसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो उसके लेयर्स के ऊपर लेयर, लेयर्स के ऊपर लेयर्स जो है रिकॉर्डिंग होती जा रही है। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो जो लेयर जो है डिलीट हो गई है, उस लेयर को जो है दोबारा से जो है हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ये पोटेंशियल जो है, ये तो फिजिकल हार्ड ड्राइव की बात है। तो फिर जो हमारा माइंड है उससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्राइव तो आज तक कोई है ही नहीं, उसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें कुछ भी भूला नहीं गया है। तो जो तुम्हारा जो सेकंड पार्ट है प्रश्न का कि डज दिस पार्ट कैन इफेक्ट आर लाइफ, देखो जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी तुम्हारा माइंड रिकॉर्ड कर रहा है, उसका जीवन पे प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं अपने हमारे माइंड में हो रही हैं, जो हम जाने अनजाने जो है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, और वहां पे हजारों दुकानें हैं, वहां पे हजारों लोग हैं, हमारे माइंड की कैपेसिटी ऐसा है कि वो एक तरह की वीडियो ड्राइव की तरह जो है सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर हम बाद में बैठ के उसको एक्सेस करना चाहें तो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, रिकॉर्ड तो वो सब कुछ कर रहा है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि तुम्हें क्या चाहिए, कि तुम्हें अपने जीवन में किस तरह से उसका जो है प्रभाव लाना है। जिसका ये अर्थ हुआ कि जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं तुम्हारे माइंड के अंदर, जो भी स्टोरेज तुम्हारे माइंड में है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने उस हार्ड ड्राइव के किस हिस्से को एक्सेस करना है। तुम चाहो तो नेगेटिव हिस्से को एक्सेस कर लो तो जीवन में दुख, परेशानी और पीड़ा हो जाएगी, तुम चाहो तो पॉजिटिव को एक्सेस कर लो तो जीवन में जो है एक सुख जो है तुम्हारे जीवन में जो है क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। क्या एक्सेस करते हो, क्या चॉइस तुम करते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। जो तुम्हारी ड्राइव है वो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या एक्सेस करना चाहते हो। तुम सेम कंप्यूटर से जो है न्यूक्लियर वेपन को जो है लॉन्च कर सकते हो, और सेम कंप्यूटर से जो है किसी का भला भी कर सकते हो। वही सेम न्यूक्लियर वेपन को जो है अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, पूरे सिटी को जो है इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। क्या यूज करोगे तुम,
क्या एक्सेस करोगे, किस तरह से जो है उसको क्या डायरेक्शन दोगे, वो तो तुम्हारे ऊपर है पॉली। तो प्रभु जो है वो तो तुम्हारे को ये एक तरह की चॉइस देता है कि भाई तुम्हें हर सुबह जब तुम उठते हो तो वो जिंदगी तुमसे पूछती है, प्रभु तुमसे पूछता है कि तुम्हें जो है अपने जीवन में खुशी, ये जो दिन जो तुम्हें मिला है, ये तुम्हें सुख सुख चाहिए उसमें या दुख चाहिए, इसको अच्छे से बिताना चाहते हो या दुख से बिताना चाहते हो। और अगर तुम दुख से बिताना चाहते हो तो वो उसको भी सपोर्ट करता है। तुम्हारी फ्रीडम जो है वो अल्टीमेट है कि अगर तुम दुख में रहना चाहते हो तो प्रभु उसको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि वो तुम्हारे उसके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि वो फ्रीडम काम की नहीं कि अगर जहाँ पे जो है तुम्हें प्रभु बोले कि तुम्हें सुखी ही रह सकते हो, तुम दुखी नहीं हो सकते, फिर वो फ्रीडम का भी कोई फायदा नहीं, वो भी जो है बंदिश हो गई, वहां पे भी जो है फ्रीडम नहीं रही। फ्रीडम तो वही है कि जब तुम गिरना चाहो तो तुम्हारे पास गिरने की भी स्वतंत्रता हो, कि जब तुम जो है भ्रष्ट होना चाहो तो वो भी तुम्हारे पास जो है पूरी फ्रीडम हो। ये फ्रीडम तुम्हारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्रीडम डिपेंड करेगा, ये फ्रीडम ही डिसाइड करेगा कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो, जिसका अर्थ ये हुआ कि अल्टीमेटली तुम ही अपने जीवन के रचयिता हो, कि तुम अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो जैसे तुम क्रिएट करना चाहते हो। सो पॉली, इस माइंड के अंदर सब कुछ स्टोरेज है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ जो है इसके अंदर, एक एक छोटी से छोटी चीज जो है उसमें, उसके अंदर रिकॉर्डिंग जो है चल रही है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस हार्ड ड्राइव को, इस नॉलेज को, इस एक्सेसिबिलिटी को जो है किस तरह से हैंडल करोगे। इसको तुम चाहो तो यही सेम ड्राइव जो है तुम्हारे लिए पॉजिटिव ढंग से काम करेगी, और तुम चाहो तो यही सेम ड्राइव जो है तुम्हारी जिंदगी में नरक बना देगी। पूरी की पूरी चॉइस तुम्हारे ऊपर है। ड्राइव के कारण कोई इफेक्ट नहीं होता, तुम्हारी चॉइसेस के कारण इफेक्ट होता है। क्या चीज तुम्हारे जीवन में इफेक्ट करती है, वो सिंपली तुम्हारी चॉइस है कि तुमने क्या तुमने जो है चुना है। तो जब तुम्हारा चुनाव ठीक हो जाता है, जब तुम क्लैरिटी के साथ चुन लेते हो तुम्हें क्या चाहिए, तो जीवन में अच्छा ही होता है। फिर बुरा भी होता है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की चॉइस है, उसमें रिग्रेट नहीं होगा।